गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। कोपा अमेरिकन लीग का मैच हो रहा है वेनेजुएला वर्सेस कनाडा के बीच 6:30 बजे। कोपा अमेरिकन लीग देखा जाए तो यूरो से भी मज़ेदार, मतलब यूरो जितनी मज़ेदार है इस बार। मतलब हमें लग रहा था ना जैसे यूरो चल रहे हैं तो कोपा अमेरिकन कोई खेलेगा नहीं, भाई साहब कोपा अमेरिकन बहुत लोग खेल रहे हैं अपने, मेरे मतलब नज़र में वो तो बहुत लोग खेल रहे हैं भाई। तो वेनेजुएला कनाडा का मैच है, बड़ा मैच है। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जो। और गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें इस मैच की, तो मेरा ऐसा है कि वेनेजुएला टीम ने पिछला मैच जमैका को 3-0 से हरा दिया, जो कि सबसे बड़ी नॉक थी इस मैच की। मतलब इस लीग में अगर मैं जमैका जैसी टीम 0 से हार सकती है, वो भी वेनेजुएला से, तो मैं कहता हूँ भाई फिर वेनेजुएला किसी से भी जीत सकती है, वो फॉर्म में है। मैं क्लियर बात करूँगा वेनेजुएला। और सेकेंड लास्ट मैच 1-0 से जीते, थर्ड लास्ट मैच 2-0, मतलब क्लीन शीट लगाते हैं भाई सीधा। जीत तो एक होती है, जीत एक होती है बुरी तरीके से सामने वाले को हराना, वैसी हार हराते हैं वेनेजुएला वाले। उसके बाद कनाडा टीम, कनाडा में वो दम तो नहीं है, कनाडा की फुटबॉल टीम में भी वो दम नहीं है। पहले मुझे क्रिकेट में लग रहा था, मुझे लगा था कि फुटबॉल इनकी दमदार है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने कोपा अमेरिकन लीग में हाथ खड़े किए ना भाई, तो कनाडा के लिए दिक्कत बन गया है। और वेनेजुएला तो बहुत बड़ी दिक्कत बनेगी आज, लेट्स सी, मस्ट विन मुकाबला रहेगा। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में यू हैव टू टेक सबसे पहले डेविड। देखिए भाई, मैं जो मर्जी कह दूं, जितनी मर्जी मैं बोल दूं इन दोनों टीम्स के बारे में, लेकिन जो दम डेविड में है वो भाई साहब लैरिन में भी नहीं है। ये बात मैंने आपको शुरू में बोली थी और लोग मेरी इस बात पे हंस रहे थे, आज पता चल गया क्यों हंस रहे थे। लैरिन ने क्या किया भाई, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता कि करंट फॉर्म क्या है। जब तक आपको बंदे की करंट फॉर्म ही नहीं पता होगी, तब आप तो अपनी मर्जी से प्लेयर उठाते रहोगे। आज मैं अपनी मर्जी से कोई मिडफील्डर उठा लूँ और मैं बोलूं कि भाई साहब ये चलेगा, तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो चलेगा भाई। फ्लॉपी चांसेस ज़्यादा होंगे जब तक वो फॉर्म में नहीं है। अब डेविड तो इन फॉर्म था डोमेस्टिक लीग में, इसको जरूर लूँगा। रॉन्डन पूरी फॉर्म में, मैंने ऐसा बंदा देखा ही नहीं भाई मैक्सिको लीग में। इतना दम, वो तो आपको देख के पता चल ही रहा होगा। इक्वेडर के अगेंस्ट 2 असिस्ट, मैक्सिको जैसी टीम को गोल, जमैका को गोल। मतलब मैं कहता हूँ और किसको कैप्टन रखना है आपने इस जैसे बंदे के आगे भाई। उसके बाद लैरिन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डी मैचेस नहीं खेल रहा भाई, ड्यू टू हिज इंजरी। पता नहीं कोई इंजरी हुई है इसको, और वो रैमिरस को शायद भेजेंगे। रैमिरस मैं लेता नहीं क्योंकि थोड़ा वीक प्लेयर है, सो लैरिन बनता है। उसके बाद मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर ई बैलो, वेनेजुएला का मेन प्लेयर, मेन ही है भाई। जिस हिसाब से बैलो ने पिछला मैच खेला, जिस हिसाब से बैलो ने पहला मैच खेला, जो 2 गोल आए हैं, तो वो बड़ी बात है। 3 मैच में 2 गोल इज़ अ गुड थिंग। एंड बात करें एंड्रस की, देखिए भाई एंड्रस और हरेरा अगर देखा जाए तो एक बड़ी लीग का खिलाड़ी है। जैसे जिस हिसाब से इसने 35 पॉइंट पिछले मैच में दिए थे तो वो अच्छा लगा, लेकिन जो काम एंड्रेस कर सकता है वो हरेरा नहीं कर सकता। इंटरनेशनल के अंदर थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो एंड्रेस में थोड़ा बहुत है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में ओसरोई को मैं लूँगा नहीं, बुचैनन को मैं नहीं लूँगा, नीचे से किसी प्लेयर को नहीं लूँगा। आई एम गोइंग विद ओनली 1 प्लेयर जिसका नाम है मेरे भाई स्टीफन। तीनों मैच में ट्राई किया है इसमें, इस बात पे तो हम लॉयल हैं भाई। हम आज ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो हर मैच में ट्राई कर रहे थे। और डिफेंडिंग सेक्शन में अल्फोंजो अगर खेलता है तो ले सकते हो। जो लोग डरते हैं, जिनको डर लग रहा है कि भाई अल्फोंजो छूट गया, वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, हम तो नहीं, तो मैं तो नहीं लूँगा। आई एम गोइंग विद एरम्बुरु के बाद वाई ओसरॉय को तो छोड़ना ही मत। सबसे दिग्गज प्लेयर है इनकी टीम में, दिग्गज लीजेंड, मतलब लीजेंड तो नहीं कहेंगे, दिग्गज भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनकी टीम में। और एंजल की बात करें, मिगुएल एंजल रोमेरो। उसके बाद ये खेल जाए नेहुल, मेरे को ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बंदे से भाई, मैं इसको जरूर लूँगा। एंड बात करें गोल कीपिंग की, क्रैप्यू बहुत पुराना प्लेयर कनाडा का, वैसे भी डोमेस्टिक लीग में दमदार खेल रहा है, इंटरनेशनल में दमदार खेल रहा है। कनाडा जो एक आध मैच जीते भी थी उसमें भी इसका तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है रॉन्डोन, वाइस कैप्टन मेरे भाई, आपको रिस्क में रखना पड़ेगा। लोगों ने डेविड को रखा है, लेकिन मैं डेविड की राय आपको ना देकर बी बैलो कहूँगा टू गो सेफ। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।